सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मोबाइल फोन्स तो आप सभी यूज करते हैं और ऐसे में दिन भर आप अपने फोन पे ढेर सारी बातें भी करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं वैनगिरी स्कैम के बारे में? आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शायद क्या पता आप इस स्कैम का हिस्सा बन गए हो, बनते बनते बचे हों, या क्या पता आगे फ्यूचर में बनने वाले हों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय वंडरशेयर डीवीडी क्रिएटर, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पे वैनगिरी का जो मतलब है, ये एक जापानीज वर्ड है जो निकल के आता है वन कट। वैन मतलब वन, गिरी मतलब कट, यानी कि वन कट स्कैम या फिर एक घंटी वाले मिस्ड कॉल का स्कैम। दोस्तों ये शुरू हुआ था जापान से और आज की डेट में ग्लोबली बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे फैल रहा है। आपने कभी ना कभी हो सकता है नोटिस किया हो कि आपके फोन पे आपको एक मिस्ड कॉल आती है, बहुत ही छोटी सी मिस्ड कॉल होती है कि आप उसको नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, कई बार आप उसको पिक भी नहीं कर पाते हैं ठीक से। और यहाँ पर दोस्तों जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं बहुत ही अजीबो गरीब। इंडिया के बाहर अलग अलग लोकेशन से दोस्तों कॉल आते हैं, जो कंट्री कोड्स हैं वहाँ पे +677+234+375+7+234, मतलब एकदम ऐसे रैंडम दोस्तों अजीब से नंबर्स होते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये जो है ये कॉल हमको किसने किया है। अब देखिए, अगर दोस्तों आपका कोई दोस्त रिश्तेदार फैमिली मेंबर अगर इंडिया से बाहर रहते हैं, वो अगर आपको कॉल करते हैं कभी कभी ऑनलाइन, मान लीजिए स्काइप की मदद से, मान लीजिए वो किसी और वॉइप तरीके को यूज कर रहे हैं, तो यहां पर दोस्तों आपको जो नंबर मिलता है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन वो एक छोटा नंबर होता है, 3 digits, 4 digits, 5 digits वगैरह। लेकिन यहां पे दोस्तों वैनगिरी स्कैम में मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रॉपर फोन नंबर्स की, प्रॉपर कंट्री कोड के साथ में, और हमको लगता है कि भाई ये हमें किसने कॉल किया। दोस्तों यहां पे होता क्या है कि ये जो स्कैमर्स हैं ये कंप्यूटर्स की मदद से रेंडमली बहुत सारे नंबर्स पे कॉल करते हैं और वेट करते हैं कि कब उनको कोई कॉल बैक करे। अब अगर आप इन नंबर्स पे कॉल बैक करेंगे तो क्या होगा? दोस्तों यहां पे जो नंबर्स हैं ये होते हैं प्रीमियम लाइन नंबर्स, यानी कि जो चार्जेस हैं वो बहुत बहुत ज्यादा होने वाले हैं। आपके पास में अगर एक प्रीपेड सिम है तो हो सकता है कि आपका बैलेंस खत्म हो जाए। अगर आपके पास में एक पोस्टपेड नंबर है तो सोच के देखिए कि आपको मंथ एंड पे कितना बिल आने वाला है। जब आप इन नंबर्स पे कॉल बैक करते हैं तो यहां पे दोस्तों दो सिनेरियोस होते हैं मोस्ट कॉमनली। सबसे पहली बात तो ये कि आप कॉल करेंगे तो आपका कॉल बस कट जाएगा 2-4 सेकंड में अपने आप। आपको लगेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, कॉल किया था और कट गया होगा, लेकिन यहां पे उस 2-4 सेकंड में आपका बहुत सारा बैलेंस जा चुका है और आप साथ साथ में किसी स्पैम को भी ट्रिगर कर चुके हैं, जो बाद में आपके फोन नंबर पे तरह तरह के मैसेजेस और ऐसे बहुत सारे कॉल्स जो है वो आगे चल के भेजने वाला है। दोस्तों दूसरा सिनेरियो ये है कि जब आप इन नंबर्स पे कॉल करते हैं तो आपको रैंडम जो है वो ऑटोमेटेड जो मैसेजेस हैं वो सुना देते हैं कि लाइन होल्ड करो, बिजी है, ये है, वो है। हमको लगता है कि ठीक है चलो भैया क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला होगा, 15-20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट निकलता है और ऐसे में आपका जो बहुत सारा बैलेंस है वो चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रीमियम लाइन नंबर्स हैं आपके लिए इनका समझना बहुत ही जरूरी है। ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे कॉल चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, मोस्ट कॉमन दोस्तों इनको काम में लिया जाता है अडल्ट सर्विसेज के लिए, अडल्ट चैट्स वगैरह के लिए, और इसके अलावा बहुत बार अलग अलग स्पेशल केस सिनेरियोस में इनको काम में लिया जाता है। अगर आप रिकॉल करते हैं जो आप दिन भर देखते हैं टीवीज पे भी कि अपना वोट कीजिए, अपनी राय रखिए, मैसेज कीजिए इस नंबर पे 512-512-12345, मतलब जो भी दोस्तों आपको छोटे नंबर्स मिलते हैं, यहां पे भी जो एसएमएस चार्ज है वो ज्यादा होता है, जो कॉल चार्ज है ऐसे नंबर्स पे वो ज्यादा होता है, और इसका जो है वो होता है रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस, यानी कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो भी अपना शेयर रखता है और जिस कंपनी ने वो नंबर लिया है वो भी अपना शेयर रखता है। तो आप अगर ऐसे किसी नंबर पे कॉल बैक करते हैं तो मतलब आपका जो बैलेंस है वो तो गया। और उसके अलावा बहुत बार दोस्तों यहां पे ये भी होता है स्पैम की आपको कॉल करके बोलते हैं कि भाई आपकी लॉटरी लग गई है, ये वो एक्सवाईजेड, आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर और पैसा आने वाला है। तो मतलब आप प्लीज दोस्तों ऐसे किसी नंबर पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर मत कीजिए और कॉल बैक ही मत कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जब आपका कोई नोन बाहर है ही नहीं तो आपको कौन कहां क्यों कॉल करेगा भाई? क्या आप किसी की जान बचाएंगे, किसी की जान खतरे में बाहर वहां पे? अब दोस्तों यहां पे एक और नया ट्रेंड अभी और सामने आया है, जहां पे आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, अजीब अजीब नंबर्स से आपको ऐसे रैंडम कॉन्टैक्ट्स भेज दिए जाते हैं और वहां पे लगी होती है एक बहुत ही कमाल की प्रोफाइल फोटो और बहुत सारे यूजर्स सोचते हैं कि भाई ये कौन है, हम बात करके देखते हैं,
और आप वापस से उसी वैनगिरी स्कैम का हिस्सा बन जाएंगे। तो यहां पे दोस्तों आप कभी भी इंटरनेशनल कॉल मत कीजिए जब तक आपको पता ना हो कि आप किसको फोन लगा रहे हैं, क्यों फोन लगा रहे हैं। तो बचे रहिए, आपको ऑनलाइन अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई नंबर मिले कोई बढ़िया ऑफर के साथ में, या फिर आपको आए कोई व्हाट्सएप मैसेज, या फिर वो एक घंटी वाले मिस्ड कॉल, तो प्लीज कॉल बैक मत कीजिए। दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे वैनगिरी स्कैम के बारे में। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।